एक ही काम करेगा भैया। जितने लोग बाहर बन गए आप सबको मालूम है स्थान ग्रहण करेंगे क्योंकि आए हैं, तो हम लोग भी माँ भारती के चल चित्र पर और माता की भारत माता की पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, ये दोनों ही पुरोधा के बताए हुए मार्ग पर प्रज्वलित के पश्चात मैं आप सभी को हमारे आज के इस सम्मेलन संयुक्त मोर्चा माननीय सांसद महोदय जी का अभिनंदन करेंगे। विधानसभा के प्रभारी डॉक्टर बाल मुकुंद हमारे सभी अतिथियों का माननीय मुख्यमंत्री जी सज्जन सिंह साहू जी आप लोग बारी बारी से आप लोग आ जाए माननीय, और किसान मोर्चा से दादू राम सोनकर जी, देवेंद्र निर्मलकर जी, दीपक निर्मलकर जी, खिलेश्वर साहू जी, गिन्नी चावला जी, माननीय सांसद महोदय जी का अभिनंदन। पार्टी के प्रदेश व्यापी अभियान के तहत संयुक्त मोर्चे का हर विधानसभा में और जिले स्तर में सम्मेलन हो रहे हैं, और ये जिला स्तरीय सम्मेलन राजनांदगांव में आयोजित है, जिसमें सभी मोर्चे के संयुक्त मोर्चे की बैठक है, और ये सम्मेलन आने वाले छत्तीसगढ़ में चल रहे महाजनसंपर्क अभियान का हिस्सा है, जहां हम जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं। हालात आज हैं, भूपेश जी शायद तुलना करना भूल गए, दंतेवाड़ा में उन अनुसूचित जनजाति के लोगों में लाठी चार्ज करा के 70 लोगों को अरेस्ट किया जो आज तक जेल में हैं, और जिस प्रकार पूरी बस्तर से सरगुजा तक धर्मांतरण का कुचक्र सरकार के संरक्षण में हो रहा है, मैं आरोप लगाता हूँ, उतना आज तक छत्तीसगढ़ में ऐसा धर्मांतरण कभी नहीं हुआ, और ये पूरे सरकार का समर्थन प्राप्त है, और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कठोरता से कदम उठाना चाहिए। पटवारी पर आती जा रही है, सभी वर्ग परेशान हैं, किसको किसको एस्मा लगा के अंदर करेंगे।